टॉपिक का नाम है यील्ड। यील्ड को उर्दू में मिकदार कहा जाता है। केमिस्ट्री के अंदर यील्ड का मतलब है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की मिकदार बनती है उसको उस केमिकल रिएक्शन की यील्ड कहा जाता है। यील्ड दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल या जिसे एक्सपेरिमेंटल यील्ड का नाम दिया जाता है, दूसरी होती है थियोरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की मिकदार एक्चुअली बनती है उसको हम असल या एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ऑब्टेन होती है। और दूसरी होती है थ्योरेटिकल यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं और अपनी कॉपी और पेंसिल की हेल्प से कैलकुलेशन करते हैं कि अगर इतने ग्राम रिएक्टेंट हैं तो इतने ग्राम प्रोडक्ट बनेंगे। तो वो कैलकुलेशन होती है, वो अभी हम तजर्बा नहीं करके बैठे होते, वो थ्योरेटिकल होती है, वो कैलकुलेटेड यील्ड भी कहलाती है और उसे हम थ्योरेटिकल यील्ड भी कहते हैं। शार्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड की एग्जाम में कि एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड से असल यील्ड कम होती है, वाई ऐसा क्यों होता है? इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट्स सपोज आप में से या हम में से कोई एक बंदा हलवाई है और उसको कहा गया कि आपने जनाब वो बनाना है, हलवा बनाना है। तो आप उसके पास गए और आपने उससे कहा कि मैं हलवा बनाना चाहता हूँ 5 किलो, तो आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी मिकदार में लूँ। तो वो आपको एक पेज के ऊपर लिख कर देगा कि इतनी आपने सूजी लेनी है, इतना आपने घी लेना है, इतनी चीनी और इतनी फलां चीज़ें लेनी हैं। जब वो आपको कैलकुलेट कर देगा तो आपको कहेगा ले जाएं। जब इतनी मिकदार में ये तमाम रिएक्टेंट चीज़ें आप डालेंगे तो जो हलवा बनेगा उसकी मिकदार 5 किलोग्राम होगी। तो वो हलवाई था, उसने आपको बता दिया। अब आप घर में ले आए, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी मेरी तरह हलवा नहीं बनाया, तो आप जो है ना जनाब हलवा आप बनाना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आप चीज़ें पहले काटेंगे, सुखाएंगे, वाश करेंगे, उनको पकाएंगे, कुछ गिर जाएंगी, कुछ बर्तन को लग जाएंगी, कुछ आप वैसे ही चख जाएंगे। तो इस तरह करते करते आप जो है ना जब हलवा तैयार कर लेंगे तो वो बन गया 4.5 किलो। अब आधा किलो हलवा कहाँ गया? डिटेल के मुताबिक तो वो 5 किलो होना चाहिए था, वो बेसिकली इधर उधर हमारे एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ज़ाया हो गया। तो जो अब हमारे पास प्रिपेयर्ड फॉर्म में हमने एक्सपेरिमेंट किया, हलवा प्रिपेयर किया, तो जो बना वो एक्चुअल यील्ड होगी उसकी मिकदार, और जो वो हलवाई ने कैलकुलेट करके दिया था वो हमारी थ्योरेटिकल थी। तो जाहिर सी बात है एक्चुअल कम होगी, रीज़न मैंने आपको बता दी कि एक्सपीरियंस नहीं होता हमें। ओके, तो केमिस्ट्री के अंदर जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें भी एक्चुअल यील्ड कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। वजह क्या है? इनएक्सपीरियंस वर्कर। ऐसा बंदा हो सकता है जिसने पहले कभी रिएक्शन किया ही ना हो, जिसने कभी कोई एक्सपेरिमेंट ना किया हो, तो वो तो ज़ाया करेगा, वो तो सही कैलकुलेशन नहीं करेगा। ओके, वो तो एक्सपेरिमेंट भी सही ना करे। उसके बाद वेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़ाया हो जाता है। किस वजह से? इन वजूहात की वजह से। हम फिल्ट्रेशन करते हैं, छानना जिसे कहते हैं, जैसे छलनी से चाय छानी जाती है, फिल्ट्रेशन करते हैं, कुछ उसमें ज़ाया हो जाती है। जब चीज़ों को सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके ज़रिए चीज़ों को जब आप सेपरेट करते हैं तो कुछ मिकदार उधर ज़ाया हो जाती है। फिर सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, चैप्टर नंबर 2 में सेपरेटिंग फनल पढ़ाई जाएगी। उसके ज़रिए जब सेपरेशन की जाती है तो तब भी कोई ना कोई मिकदार वेस्ट हो जाती है। वॉशिंग, धोते हुए, हाँ आप देख लें खवातीन घर में जब कोई चीज़ चावल धो रही होती हैं या दाल, तो वो गिरा देती हैं काफ़ी सारी। अब छोटी बच्ची को कहें वो तो ज़्यादा ही गिरा देगी क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं है। तो
तो ड्राइंग फिर खुश्क करने में कुछ उड़ गया कुछ इधर उधर, और फिर एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्मेशन इसे कहते हैं, क्रिस्टल बनाना। तो ये भी एक डिटेल्ड प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके जरिए हमारी एक्चुअल यील्ड, हमारे प्रोडक्ट की मिकदार कम हो जाया करती है। और इसके अलावा हो सकता है कोई साइड रिएक्शन हो रहे हो, यानी एक तो हम पका रहे हैं, दूसरा कुछ चीज़ें उड़ रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, कोई और रिएक्शन हो गया जो हमें पता ही नहीं है, नज़र ही नहीं आया, ठीक है। तो उसके जरिए भी मिकदार कम हो सकती है एक्चुअल यील्ड की। तो द लास्ट थिंग इज दैट, आखिरी बात यह है, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता चलाना हो तो आप परसेंटेज यील्ड की बात करते हैं, यानी देखते हैं कि कितनी परसेंट ये प्रोडक्ट बनाता है। जितनी ज्यादा परसेंटेज यील्ड होगी, जितनी ज्यादा यानी मिकदार परसेंट में होगी, उतनी ज्यादा रिएक्शन अच्छा होगा, उसकी रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो परसेंटेज यील्ड क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लें। द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड विद 100। ऊपर आपने एक्चुअल यील्ड लिखनी है, नीचे जनाब थ्योरेटिकल यील्ड लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। जो जवाब आएगा इनको सॉल्व करने से, उसे हम परसेंटेज यील्ड कहते हैं। जैसे हम दूसरे मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, अब हमारे ऑब्टेन मार्क्स हमेशा कम होते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो एफएससी में 1100 में से 1100 मार्क्स ले ले, 1100 में से 1050 नंबर आ गए। तो 1050 पेपर देने के बाद आए, वो एक्चुअल नंबर हैं, और उनको हम ऊपर पुट करेंगे। एक्चुअल हमेशा कम होते हैं, और ज्यादा जो टोटल होते हैं थ्योरेटिकल, वो नीचे पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। तो दिस वॉज अबाउट टूडे लेक्चर, ये आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ। एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 को कैसे सॉल्व करना है, इसका गिवन डेटा हमारे पास मौजूद है। डेटा में उसने कहा कि जब आप लाइमस्टोन को रोस्ट करते हैं, रोस्ट का मतलब होता है जलाना, ठीक है। लाइमस्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, वो कहते हैं इसको जब आप रोस्टेड करते हैं यानी जलाते हैं, तो लाइम बनता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। और उसने बताया कि इसकी मिकदार जो हमने ली हुई है वो 4.5 किलोग्राम है, और ये जो बनता है ये 2.5 किलोग्राम है, और जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ये एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड पैदावार मिकदार, ठीक है। आपसे सवाल किया गया परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करें, तो फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक हो गया। एक्चुअल यील्ड क्या होती है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे जो मिकदार पैदा होती है, और थ्योरेटिकल यील्ड होती है कि आप पहले कापी पेन लेके कैलकुलेट करें कि भी मैं इतने ग्राम ये लूँगा तो इतने ग्राम ये बनेगा, वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। और हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होती है, एक्चुअल यील्ड कम होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि जब आप कोई चीज़ ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो हिसाब आप करेक्ट लगा लेते हैं, मगर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के दौरान वेस्ट हो जाती हैं, कोई बर्तन को लग गई, कोई गिर गई, हमें एक्सपीरियंस नहीं था, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। तो सिंपल सा वे है, सबसे पहले तो आपको मैथ दिए गए हैं, किलोग्राम में है आप ग्राम में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो ये किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लिए मैथ, ठीक हो गया। और उसके लिए हमने 1000 के साथ इसको डिवाइड किया जाता है, तो यानी 4.5 को भी 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 1000 से, तो ये आ जाएगा आंसर 4500 ग्राम, और ये 2500 ग्राम। तो एक्चुअल यील्ड कितनी है, 2500 ग्राम, ठीक है। मोलर मास दोनों का देखते हैं क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है, तो टोटल 100 होता है। मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 56 होता है। जब ये जनाब दोनों के मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, जो कि ये है कि फॉर थ्योरेटिकल यील्ड, अब हमें थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम क्या कहते हैं, चूने का पत्थर, ठीक है, ये रोस्ट हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, जिसे क्या कह रहे थे, क्विक लाइम कह रहे थे, ठीक, तो ये बना। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हम मोलर मास के जरिए कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव कैल्शियम ऑक्साइड कितना, 56 ग्राम, देख लें, ये इसका 100 ग्राम मोलर मास है, इसका 56, तो 100 ग्राम ये है
और कितना पैदा कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, 56 ग्राम। अगर ये 1 ग्राम हो कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये इसे देने चाहिए कितने, इस 100 को डिवाइड कर दें 56 के साथ, तो हम ये 56 डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास टोटल हैं कितने ग्राम किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, वो हैं 4500 ग्राम। तो ये कितने देगा, तो आप फिर सिंपल सी बात है, 4500 को 56/100 मल्टीप्लाई बाय 4500, आंसर आ जाएगा 2520 ग्राम। ये है थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल सॉरी थ्योरेटिकल यील्ड है ये। एक्चुअल यील्ड हमें पहले ही पता थी, ऊपर हमने कैलकुलेट की थी, वो कितनी निकली थी, 2500 ग्राम, सही हो गया। तो आप क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, नीचे है जनाब ऊपर 2500, नीचे 20 25 20, ठीक है 2520, तो आपस में इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें, 99.2% आती है। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड, और ये बहुत बार आ चुका है, एग्जाम में आता भी है, और आपकी जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट न्यूमेरिकल भी यही है, इसी सेम प्रोसीजर से है। वो आप कीजिएगा, अगर उसमें कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको फिर गाइड कर दूंगा, दोबारा कहेंगे तो पढ़ा दूंगा।